बुधवार को फेसबुक इंडिया के प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन पेश हुए। नागरिकों के अधिकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर स्थायी समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया था। करीब 2 घंटे 20 मिनट चली बैठक के समय फेसबुक प्रतिनिधि को कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के सवालों से जूझना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि बैठक के समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर के सांसदों ने फेसबुक पर विपक्षी विचारधारा के प्रति नरम रहने का आरोप लगाया। हेट स्पीच के उदाहरण के तौर पर जहां कांग्रेस ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह के विवादित बयानों का जिक्र किया, तो बीजेपी ने सोनिया गांधी के आर-पार की लड़ाई और कन्हैया कुमार के सीएए विरोधी बयान उठाए। जवाब में फेसबुक की तरफ से बताया गया कि इसकी संख्या की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक 150 सवालों के जवाब फेसबुक की तरफ से नहीं दिए गए, अब उन्हें लिखित में देने की बात कही गई है।